सो नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। आज आपकी मैं मुलाकात करवाना चाहता हूं रमेश भाई रूपारेलिया से, जो मेरे खुद के आदर्श है, मैं उसको मानता हूं मेरे गुरु की तरह, जो एक्सपोर्ट भी करते हैं 120 से ज्यादा कंट्रियों में। अगर आपको मैं बोलूं कि रमेश भाई की पढ़ाई सिर्फ पांचवी या छठी कक्षा तक है तो आप मानोगे नहीं। रमेश भाई इतनी कम पढ़ाई करके भी, मैं तो MBA हूं, मैं 17 कंट्रियों में एक्सपोर्ट करता हूं, रमेश भाई सिर्फ छठी या पांचवी तक पढ़े, रमेश भाई एक्सपोर्ट करते 120 से भी ज्यादा कंट्रियों में। आप यहां पे मेरे पीछे उसका स्टॉल देख सकते हो, आज का ये जो उसने स्टॉल लगाया है, पूरा सेटअप लगाया है, ये सेटअप है पूरा उसका गौटेक का। अभी यहाँ पे जो एग्जीबिशन हुआ है राजकोट गुजरात में, तो यहाँ पे इसका स्टॉल है। तो आज के ये वीडियो के माध्यम से आपको मैं साक्षात रमेश भाई से बात करवाऊंगा और उन्हीं के आवाज से हम जानेंगे कि रमेश भाई ने ये जो उपलब्धि है जो एक्सपोर्ट की और ये सारे गौ प्रोडक्ट की, ये कैसे हासिल की, कैसे एक्सपोर्ट कर पाए, उसके बारे में हम सीधा जानेंगे डायरेक्ट रमेश भाई से। तो रमेश भाई, पहले तो आपने हमें यहाँ पे टाइम दिया, इसलिए आप सभी का, लोगों का, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए और अपनी प्रोडक्ट रेंज के बारे में बताइए। ये हम लोग जो है देसी गिर गाय का घी बनाते हैं, उसमें भी घी को भी मूल्यवर्धित करते हैं, एडिशनल करते हैं, जिसमें लगभग 65 टाइप ऑफ मेनी टाइप ऑफ 65 घी है और बहुत सारी और भी प्रोडक्ट है, नाम लूंगा तो वीडियो नहीं बनेगा, 240 प्रोडक्ट है। और ये सारी प्रोडक्ट हम ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं और उस एक्सपोर्ट के माध्यम से 200 गाय और 100 एम्प्लॉय का गुजारा करते हैं। और हमारा एक मिशन है कि सागर भाई जैसे युवा लोग रोजगार को लेके ऐसे आगे बढ़े कि एवरीडे भारत में डॉलर में इनकम हो, ताकि भारतीय की GDP मजबूत बने, भारत आर्थिक रूप से समृद्ध बने और खाने की चीजें उसमें हो और शुद्धता वाली चीजें हो। शुद्धता वाली चीजों से सबकी तंदुरुस्ती बनेगी और खाने की चीज हमेशा जमीन में उगती है। मित्रों, दुनिया कितनी भी डिजिटल हो जाए, 2G 4G 10G 5G कुछ भी हो जाए, कभी खाना कंप्यूटर में नहीं बनेगा। कितनी भी दुनिया आगे चली जाए, कभी दूध घी और छाछ दही कभी कंप्यूटर में नहीं बनेगा। तो इसीलिए एक्सपोर्ट भी करो और जमीन से जुड़े रहो। ऐसा ही उदाहरण हमारे सागर भाई ने प्रस्तापित किया, पूरे सौराष्ट्र ने, गुजरात का गौरव है और दिले दिलदार इंसान है, ताकि और भी लोगों को एक्सपोर्ट का सिखा रहे। दोस्तों, बिजनेस तो सब कर लेते हैं, बिजनेस करना बड़ी बात नहीं है, परंतु उस बिजनेस को लेके दूसरे लोगों को सिखाना, इसका मतलब ये होता है कि अपने ही सामने अपने कंपटीटर को खड़े करना, ऐसे फिर भी आनंद पूर्व एक हृदय से ऐसा काम करने वाले नवयुवान सागर भाई हमारे सबके लिए प्रेरणा रूप है। खास करके नवयुवानों के लिए मैं विनती करूंगा कि खास करके सागर भाई को फॉलो करें और सागर भाई तक पहुंचे, उसके वहां ट्रेनिंग ले और किसी की गुलामी, किसी की नौकरी न करके अपना खुद का रोजगार खड़ा करे और भारतीय अर्थतंत्र को मजबूत करने में योगदान दे। रमेश भाई, आपका खूब खूब धन्यवाद। आपने हमारे बारे में भी थोड़ा इतना अच्छा बताया। जैसे देखो, मैं खुद भी एग्रीकल्चर आइटम एक्सपोर्ट करता हूं, तो यहां पे आप जो सारी रेंज मेरे साथ देख सकते हो कि यहां पे ये जो है ये मिलेट है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी मिलेट एक्सपोर्ट करता हूं, जिसको हम गुजराती में बाजरा बोलते हैं, राइट। मैं खुद पर एक्सपोर्ट करूँ छू आप बाजरो। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मिलेट की और एक दूसरी वेराइटी है। तो यहाँ पे आप देखो, ये ऑर्गेनिक सारे स्पाइसेस वगैरह है और ऑर्गेनिक सारे प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे आप देखो तो 35 प्रकार के सारे घी है, उसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सारे है ना, त्रिफला नस्य और ये जो सारे साबुन वगैरह, ये सारे आयुर्वेदिक तरीके से बने, जो सारे इंडिया से एक्सपोर्ट होते। तो ये श्री गिर गोरस करके ये जो संस्था है, श्री गौ जतन संस्था गोंडल की है, ये जो सारी प्रोडक्ट बनाती है और 120 से भी ज्यादा कंट्रियों में एक्सपोर्ट करती है रमेश भाई की संस्था के थ्रू, और रमेश भाई की ये खुद की प्रोडक्ट है। तो जैसे मैं खुद भी एक्सपोर्ट करता हूँ, रमेश भाई हमारे पारिवारिक मित्र है, तो उससे भी हमें काफी प्रेरणा मिलती है, हम उससे भी काफी सीखते। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमारा बोलना यही था कि अगर आप मित्रों एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हो तो आप रमेश भाई को भी अपना आइडियल मान सकते हो, क्योंकि रमेश भाई की पढ़ाई भले ही कम हो,
पर उसमें जो बिजनेस का जो ज्ञान है, बिजनेस के जो एटिक्वेट्स है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जो उसमें बिहेवियरल एटिक्वेट्स है, वो शायद जिसने MBA किया हो उससे भी ज्यादा है। तो ये हमारे आइडियल रोल मॉडल है। तो हम रमेश भाई का आज के दिन खूब खूब धन्यवाद करना चाहते हैं कि उसने एक भारत में, पूरे भारत वर्ष में एक अपना नाम बड़ा किया है एक्सपोर्ट के फील्ड में, और स्पेशली देखने जाए तो गिर गौ जतन की प्रोडक्ट के फील्ड में आज के दिन वो 120 से भी ज्यादा कंट्रियों में खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज के वीडियो हमारा देखने के लिए आप सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आने वाले वीडियो में ज्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।